जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संतां दी। अज जेठ दी संगरांद उपलक्ष अंदर तुसी सारे बड़े प्यार सत्कार श्रद्धा भावना दे नाल सतगुरां दे पावन पवित्र गोच बैठ के लंबे समय तो अपनियां मनोबिरतियां नूं एकाग्रत करदे होए गुरु चरणां दे विच हाजरियां भरदे होए अज दे इन्हां समागमां दा तुसी सारी संगत निघा आनंद माण रही है। दूरों नेड़ियों देश अते विदेश चों जिन्नी भी संगत आई है सारियां दा कोटन कोट धन्नवाद है। महाराज जी दी बाणी दे प्रवाह चले है पंडाल दे विच समुची संगत ने कीर्तन दा कथा दा आनंद माणिया। बख बख गुरु प्रेमियां ने जथिया ने तुष बुद्धि दे मुताबक जितना को हो सकया है आप दे नाल विचारां दी सांझ पाई है नाम बाणी दे नाल जुड़न दी। साध संगत जीओ बेनती है भी जिवें तुसी अज हाजरियां भर रहे हैं इस तरह कृपा करनी है 26 तरीक नूं बाबा ब्रह्मनाथ महाराज जी दी 14वीं बरसी है दिन शुक्रवार आउंदा तुसी सारिया ने दर्शन दीदार देने। अज दे पाठ दी सेवा जो कि बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरमुख परिवार ने बर्मिंगम इंग्लैंड तो बहुत समय पहला दासा नूं इस परिवार के ग्रह विखे बर्मिंगम जाण दा मौका मिलिया है। बेटी मनजीत कौर है उन्हां दी सेहत जाबी वास्ते उन्हां दी तंदुरुस्ती वास्ते चढ़दी कला लई जो पिछे लंबे समय लई गुरु महाराज के चरणों च बेनतियां कीतियां सन और प्रवान हुईयां तो बेटी नूं देह रोगता मिली है। वह अज अपने परिवार के नाल इंग्लैंड तो उचेचे तौर पर शुकराने हित वह पहुंची है। दूसरी बेनती है स्कूल दे विच बहुत संगतां अपना योगदान पा रही हैं उन्हां सारियां संगतां दा धन्नवाद है। सत्संग जी मेरे कोल कोई विशा नहीं बचिया है, कोई टॉपिक नहीं बचिया है, कोई एंगल नहीं बचिया जिहदे ते विचार करी जाए की जाए ध्यान देना है। मन समझावन कारणे कछुअक पढ़िए ज्ञान एक रजब फकीर होया महापुरश होया उदे अपने बोले है और रजब ने जिदा का महसूस किया अनुभव किया है और उन्हां बोलां नूं उचारिया वो बोल मैं तुहाडे सन्मुख करा। रजब कह रहा फकीर बोल रहा रजब सत संगत में बुद्ध बधे झाड़ी मुढ़ जो घास रजब को संग में बैठ के हुंदा बुद्ध दा नाश। तो हमेशा वास्ते प्रयास अते प्रयत्न करिए कि सच्चे पातशाह सानू सद पुरशां दी संगत मिले साडी बुद्धि दा विकास होवे। ध्यान देना कि मन समझावन कारणे कछुअक पढ़िए ज्ञान ज्ञान महापुरशां दे जदों चरणां च पहुँचांगे हाजरी भरांगे उन्हां दे चरणां च जदों बेनती प्रे प्रार्थना अरदास करांगे
शायद सतगुरु तुठवान होन ते कोई ना कोई युक्ति ढंग तरीका कोई ना कोई थ्यूरी प्रोसीजर जरूर वो समझाउणगे, जरूर कुछ ना कुछ झोली च पाउणगे। हाथी जंगल दे विच मस्त है, बहुत सुचजे ढंग दे नाल जीवन बतीत करता है, आकार दा बहुत वड्डा है। वैसे जिहड़े वड्डे आकार वाले जीव है, साइंसदानां ने उन्हां दी रिसर्च दे मुताबक उन्हां दी स्टडी दे मुताबक वड्डे आकार दा डायनासोर भी होया। विद्वानां दी रिसर्च दे मुताबक वड्डे आकार दा जिहड़ी वेल मच्छी है वह भी काफ़ी वड्डी है, विद्वानां दे कथन दे मुताबक। तो जिहड़ा जंगल दे विच हाथी रह रहा अपना जीवन बड़ा वधिया मस्त होकर कर बतीत करता है, उन्हें काबू करना बड़ा औखा है। तो इधर छोटे आकार का जिहड़ा जीव है वह कहिंदे भी कीड़ी है, वह भी अपना जीवन निर्वाह कर रही है। कुछ इदां दे भी जीव जंतु है जिहड़ी साडी निगाह तो देखण तो पहुँच तो बाहर है, वह सूखम है और बहुत महीन है और वो लेंज दे नाल खुरदबीन दे नाल वेखे जा सकते, कई बार अपने साह दे राही भी वो जिहड़े चले जाते हैं। ध्यान दिओ, इंसान ने वो जंगल दे जीव नू भाव हाथी नू भी अपने कंट्रोल कर लिया, वस च कर लिया, काबू कर लिया। ख्याल करियो उहदे कोल एक लोहे का सूआ जिहा आया कंडा आया, हाथी दे किते कन्न वेखियो ते काफ़ी छलणी होए होंदे है, पाटे होंदे है। तवज्जो देनी, वो जदों हाथी नूं तोरदा जां चलाउंदा जां किते लिजाण दी इच्छा करदा है ते जदों हाथी दे उत्ते बैठा ते जिहड़ी उहदी सज्जे पैर दी अड्डी है और उहदी धौण ते भाव उहदी गिच्ची ते वह फेरदा, जे किते उह तों बेवस हो जाए तां फिर उहदे हत्थ च उह सूआ जिहा कंडा आया फिर उहदे कन्न च मारदा। उह तों डर के फिर उहदा कहा मंदा, तो ध्यान देना जे उही ज्ञान रूपी कंडा जे सानू सतगुरु बख्शिश करदा है ते जिहड़ा ये मन हाथी दी न्याई काबू नहीं आउंदा ते जे वो ज्ञान रूपी कंडा सतगुरु साढ़े ते बख्शिश करदा है ते ये जिहड़ा मन है जरूर किते ना किते टिकाणे लग सकदा। पर माफ करना दुध दा ते मन दा इहदा कोई भरोसा नहीं। दुध चाहे जिन्नी मर्जी सर्दी होवे जदों वह विगड़न ते आया बिगड़ जाना, खराब हो जाना। ते मन यह जिन्ना मर्जी इहनू कंट्रोल किया जाए यह अपने दा ते रहिंदा और यह किसे वक्त भी ये बेवस हो सकता आ। इहदे ते तां वड्डे वड्डे महापुरशां ने बड़िया घालणा काड़ियां, बड़ा जीवन इहदे ते ला दिता। कई बार वो अपना दा मारन दे विच फिर भी कामयाब हुंदा रहा और होया आ। सो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी तो बेनती ये आ बे जदों भी समा मिले गाहे बगाहे किते भी किसे भी स्थान ते जा किते भी सतपुरशां दी संगत होवे, विद्वानां दी संगत होवे, सतसंगियां दी संगत होवे, महापुरशां दी संगत होवे, चौं सियाणियां दी संगत होवे ते जदों समा मिले तो फिर ये चर्चा दा होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि पिंडां दे विच सरोवर आ, तला आ, छप्पड़ आ, उन्हां छप्पड़ां दे उत्ते बड़ी दलदल जमी हुंदी है, बड़ा मिट्टी घट्टा जमया हुंदा है,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੱਛੋਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਲਦਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਕੇਲਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਲੈਂਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੂੰਆਂ ਧੁਆਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿਮਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੁੱਕਅਪਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਗੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਭਾਵ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਧੌਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈਂ ਸੋ ਫਿਰ ਹਰੜੀ, ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ, ਬਈ ਦੇਰ ਆਈ ਦਰੁਸਤ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਰੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਟਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਗਠੜੀ ਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ, ਅੱਗੇ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਹੈ। ਤਲੋਚਨ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਿਆ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੀਸ ਆ, ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਆ, ਭਾਵ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਰ ਵਿਖਰ ਰਹੀਆਂ।
तलोचन जी की निगाह उन्हां किरणा ते पई तो किरणा ते जदों पई है तो थले की वेख्या सोना। तो जदों सोने नूं वेख्या तो लोचन दे मन दे विच कोई सतगुरां दे मन दे विच कोई विचार आया, रुक के पोटली रख के गठड़ी रख के थले जमीन ते और ओ सोने दे टुकड़े ते सोने दे पीस ते मिट्टी पा दित्ती। जदों मिट्टी पाती पोटली सिर ते उठाई ते तुर पए। ये सीन उन्हां दी धर्मसपत्नी ने वेख्या भी पति परमेश्वर सतगुरु जी की कर रहे हैं, पिछों आवाज़ा मारियां सतगुरु जी पति जी मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो। जदों तलोचन जी दे कान च आवाज़ पई कहिंदा है जिहड़ी गल तो मैं डरदा सी ये तो उही हो गई, इहनूं पता लग गया भी इत्थे कुछ हैगा आ। कोशिश कीती लुकोण दी छपोण दी पर गल नहीं बनी। पत्नी काली काली दे अंदर वड्डे वड्डे कदम पुट के तलोचन जी दे पास गई, कहिंदी तुसी उत्थे की कीता तुसी उत्थे की करदे सी? कहिंदे नहीं कुछ नहीं ऐ मैं इदां इदां इदां। कहिंदे नहीं कुछ सीगा? कहिंदे नहीं कुछ नहीं गा। कहिंदे तुसी मेरे तो कुछ छिपा रहे आ? कहिंदा कमलीए नहीं कुछ नहीं सीगा चल चलीए। कहिंदे नहीं कुछ है? तलोचन जी दा हिम्मत नहीं पै रहा, मन इजाजत नहीं दे रहा भी मैं की दसा। कहिंदे इहनूं पता लग गया कमलीए नहीं वैसे ऐवें ही सी मिट्टी सी ते मैं मिट्टी ते मिट्टी पाती। पत्नी कहन लगी महाराज ये मिट्टी सी? कहिंदे हाँ ये मिट्टी सी। स्वामी जी जे मिट्टी सी ते मिट्टी ते होर मिट्टी पाउण दी जरूरत नहीं लोड़ नहीं। तलोचन जी खुश हो गए बच गए। कहिंदे बई मैं तां कहा भी ये लोभ दे विच वस आ जाएगी इहदे मगर लग जाएगी पर ये उपर है ये उपर है। और तलोचन जी का हिरदा झूम उठे खुशी च झूम उठे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी इन्हां चीज़ां की जरूरत आ अज दे समें दे विच। पैसे की रुजगार की मेहनत की किरत की अज बहुत जरूरत है और इहदे तो अवेसले नहीं होना चाहिए। कन्ना भेटी नहीं मारनी चाहिए। पढ़ाई बड़ी जरूरी है ते किरत बड़ी जरूरी है। जे किरत करोगे तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, पढ़ाई करोगे तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। आ धार्मिक विशा जिहड़ा आ ये भी बड़ा जरूरी है। इहदे वाला नहीं मगर लगना, इहदे ते नॉर्मल रहना मीडियम जाए जिन्ना क दर गुजर कर सकते जिन्ना क आप कंट्रोल कर सकते हैं जिनी क साडे च फुरशत आ जिनी क साडी हिम्मत है उन्ना की धार्मिक होना। ते ख्याल करना दान पुन भी सोच के समझ के बड़े ध्यान नाल करना। किसी दे मगर लग के कोई एक लख करदा जा दस लख करदा जा करोड़ करदा ते अड्डियां चक के गरीब ने फाहा नहीं लैना। वित्त दे मुताबक जिनी की समर्था है और वो जरूर करियो और करना चाहिए। और मैं बेनती करा और गुरमुख प्यारो तवज्जो देनी कन्ना दे कच्चे नहीं होना। खरड़ जाए दिमाग दे नाल मूर्ख मत दे नाल दो क विचार तुहाडे नाल सांझे करने हैं। ते ख्याल करियो ध्यान नाल सुनियो इहदा जिहड़ा डिसीजन फैसला तुसीं इत्थे बैठे नहीं देना ना करना। घर जा के जदों भी वेल मिले ये छेती नहीं भी आ पेपर आए भी फटाफट पढ़ लीए ट्यूशन रख लीए नहीं को जल्दी नहीं इम्तिहान एग्जाम नहीं भावें साल बाद ही इहदे ते गौर करियो विचार करियो। जदों भी जिहड़ियां गल्लां चंगियां होणगियां उहदे ते विचार करना। जिहड़े विचार तुहानूं नहीं दुरुस्त लगते जिहड़े विचार तुहाडी जिंदगी च सुधार या निखार नहीं लिया सकते उहनूं एक साइड ते रख देना। तुहाडे को सारयां दे कोल इक छज चाहीदा जिवें सियाणी मां सियाणी औरत बीबी भैण माता छज दे नाल दाणियां नूं छटदी है चंगे चंगे जिहड़े मजबूत है वधिया दाणे और वह छज च रहिंदे आ और पल्ली च आ जाते हैं और ड्रम च आ जाते हैं
ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕੱਟ ਕੱਟਿਆ ਘੁੰਡੀਆਂ ਆ ਸਿਲਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਵਾਰ ਰੋਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਰੋਡ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਲਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੁੰਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਗੋਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈ ਧਾਈ ਲੈਂਦਾ? ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਠੋਕਰ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟਿਟਕਦਾ ਹੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਆਓ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਗਰੀਬ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਆ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਧੱਕਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਕੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ, ਤਕੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਮੀਲਾਂ ਵੱਧੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਗੁਪਤਗੋ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਕਰਵਾ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰੀਬ, ਅਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਮੇਨ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਹੋਸ਼ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਲਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਮਾਤੜ ਸਾਥੀ, ਗਰੀਬ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਹੱਤ ਵਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੀਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਰਹੇ। ਅਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਓ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ
माड़ा व्यक्ति तरसदा तरसदा है और उन कोशिश की है कि गुरु प्यारी सात संगत जी भई गरीब व्यक्ति माड़ा व्यक्ति पैसे पैसे ली थां थां ते दर बा दर भटकदा रहा है। माड़ा व्यक्ति पैसे दी खातर दर बा दर थां थां ते भटकदा रहा है ते जदों भगवान दे दर आया जदों भगवान दे दर आया तो ध्यान देना ओनू इग्नोर कर दिता गया नज़रअंदाज कर दिता गया तो जेड़ा अरबा खरबा मिलियन विलियन दा भगवान दे नां ते भगवान दा चढ़ावा चढ़िया होया सी सेवादार ओनू गिणन दे विच ही सांभ संभाल दे विच ही मदहोश रहे और ओनू किसे ने हाथ ते कोई दवानी नहीं रखी बाहो पकड़ के बार धकेल दिता। ध्यान देना गरीब व्यक्ति माड़ा व्यक्ति मातर साथी उदे किते कन्ना च आवाज पई भगवान दियां सोने दियां मूर्तियां भगवान दे हीरे जावरात जेवरात नाना प्रकार दे हीरे मोती है भगवान दे कोल सोने दा हीरियां दा बड़ा भंडार है जे भगवान तू नहीं दर्शन देने ते किते इन्हां दे दर्शन हो जाण। मैं अपने आप नूं खुश नसीब समझांगा बई चलो ये उहदे ही पाए हुए आ तेरे ही पहने हुए आ यही देखण नूं मिल जाण। ते ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ भगवान दियां अरबा खरबा मिलियन विलियन दियां जिहड़ियां सोने दियां मूर्तियां है उहदी झलक नूं ए अमातड़ ते गरीब ते माड़ा व्यक्ति तरसदा रहा ते भगवान दे जिहड़े मेन सेवादार सी और उहदी गिणती मिणती च ते लौकरां दी गिणती मिणती च लगे रहे और वह एक झलक नूं वेखण लई तड़फदा रहा। मेन गेट ते नहीं आउण दिता ते हुण ध्यान देना ख्याल करिओ लास्ट पॉइंट आ तुसीं क्यों ना बाबे की कहण लग पाया। माड़ा व्यक्ति गुरमुख प्यारिओ ये माड़ा व्यक्ति इन्हां चीज़ां च देख के भई मैं इहदे च कामयाब नहीं हो सकता मैनू भगवान दे दर्शन नहीं हो सकते मैं भगवान तक नहीं उपड़ सकता है ते ध्यान देना गुरमुख प्यारिओ नोट करिओ ते इधर जिहड़ा गरीब व्यक्ति है हुण ख्याल करना इन्हां सारियां सहूलतां तो वांझियां रहिंदियां वेख भगवान दे दर बाहर मेन गेट ते और गुरमुख प्यारो ओ सदा दी नींदे तड़फदा तड़फदा सौ गया। ते इधर धार्मिक स्थान ते भगवान दे स्थान ते की होया भगवान दे मेन सेवादारा ने भगवान नूं नाना प्रकार दे भोग लगाउण तों बाद पूजा पाठ करन तों बाद रेशमी दसालियां च पाव वस्त्रां दे विच उहदा आसन ला के उहदे च लपेट के आराम नाल एसी कमरे दे विच कुछ समय लई उहनां सेवादारां ने भगवान नूं सलाता कि भगवान जी हुण दुपहरा होया आ एक तो लैके तीन बजे तक आराम करनगे। इधर गरीब आदमी गरीब व्यक्ति सदा लई सदा दी नींदे उहदे दर्शन लई सौ गया। इधर भगवान दो घंटे लई एसी च सुत्ता पिया। हुण दसो
गरीबां दे भगवान नेड़े आ जां दूर? जवाब मैनू अज नहीं चाहिदा। ये गल्लां हुंदियां जां नहीं हुंदियां? जिंदगी जी वापरदियां है तो गुरमुख प्यारो तवज्जो देनी, ख्याल करना। बाणी ने फैसला दिता, जां तू मेरे वल है तां क्या मैं छड्डां। कोई इदां दी गल नहीं। ओदी झलक नूं तरसदिआं तरसदिआं सारियां सहूलतां नहीं मिलिया, मर गए, कोई इदां दी गल नहीं। ख्याल करना, तलोचन जी दा शब्द आ, अंतकाल जो नारायण सिमरे। क्योंकि सानू चिंता सी भगवान दी, उस नारायण दे अकाल पुरख परमात्मा दे झलक पाउण लई, सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी, वे एक छिन लई दर्शन दे दै। ध्यान देना, ख्याल करना, अंतकाल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मह जो मरे, बदत तलोचन तेह नर मुक्ता पीतंबर जाके हृदय बसे। सानू चिंता दुनियावी नहीं चाहिदी, सानू चिंता मालक दी चाहिदी है, सतगुर दी चाहिदी है, उस अकाल पुरख परमात्मा प्रभु प्रीतम प्यारे दी चाहिदी है। ते जदों ओदी हो गई तो फिर कबीर तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। तो आओ शब जा, कंची वाला मुरादा पिया बंडी दाए तेनू मंगना ना आवे ता मैं की करा। ध्यान देना, वो तो बंड रहा है लेकिन सानू मंगना नहीं आता, सानू लेना नहीं आता। कि कंछी वाला मुरादा पिया बंडी दाए तैनू मंगना ना आवे ता मैं की करा। कंछी वाला मुरादा पिया बंडी दाए तैनू मंगना ना आवे ता मैं की करा। तैनू मंगना ना आवे ता मैं की करा। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਉਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।